क्या आपको हमेशा एक डर सताते रहता है कि आपका कंप्यूटर कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए आप जब इंटरनेट ब्रोज करते हैं आपको पता नहीं चलता कि सस्पिशियस लिंक 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 कौन कौन सा सा है है और सेफ लिंक कौन सा है। इसके चक्कर में आप कोई ओपन ओपन नहीं करते अगर करते अगर चलिए भी है, तो आपका कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा है तो इन सब से बचने के लिए प्रस्तुत है साइबर टॉफी की तरफ से ये मल्टीवर्स ब्रोजिंग इसके अंदर आप किसी भी दूसरी यूनिवर्स से ब्राउज़र को खींच के अपने ब्राउज़र के अंदर ला के इंटरनेट को सर्व कर सकते हैं या ब्राउजर छोड़िए आप पूरा का पूरा वीएम को खींच दूसरी यूनिवर्स से लाके अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करके अपना काम कर सकते हैं और अगर चाहे इसको वायरस लग जाए ड मैटर आप इसको बस क्लोज कर दीजिए वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो एक नए यूनिवर्स से नया ब्रोजर निकल के आएगा ना कि वो पुराना वाला ब्रोजर साउंड्स इंटरेस्टिंग राइट इससे आप वायरस से बच सकते हैं मावर से बच सकते हैं रैंसम से बच सकते हैं, और सबसे बड़ा खतरा डार्क वेब जो हमेशा मंडराते रहता है और नए नए वायरस हमेशा लाते रहता है उससे भी बच सकते हैं तो बना दे हमारा मल्टीवर्स ब्राउज़र ब्रोजर द क्लाउड। लेट्स इट I did what I had to do. To protect our world. Wanda, what do you know about the multiverse? Viz had his theories, he believed it was dangerous. He was right. तो इंस्टॉल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थेरी जान लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा अगर चाहे आपको इसके बारे में नहीं जानना है तो टाइम से टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप स्किप करके आगे जा सकते हैं तो हमारे मल्टीवर्स को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है हमको चाहिए दो कोर याद रखिए हमको दो कोर चाहिए एक कोर के कंप्यूटर से इसका काम नहीं चलेगा और हमको चाहिए चार जी रैम और पचास जी बी हार्ड डिस्क एस एस डी की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कुछ भी चलेगा इसको आप चाहे तो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर Oracle हो, अजूर हो या ए डब्ल्यू एस हो किसी के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं इवन आप अपने ऑन प्राइम कंप्यूटर में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आपको क्लाउड को जरूरत नहीं है लेकिन क्लाउड का फायदा अलग होता है कि ये आपके नेटवर्क से हट के अलग नेटवर्क पर रहता है तो इसका एडवांटेज आपको क्लाउड से मिलेगा और इसको इंस्टॉल करने के लिए इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा और याद रखिए ओबिंडो का लेटेस्ट वर्जन नहीं चलेगा बस लास्ट सपोर्ट करता है ट्वेंटी और ये बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये सपोर्ट करता है और ये ए एम और आर्म प्रोसेसर दोनों को सपोर्ट करता है मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ और आयल का फ्री टीयर लेकिन आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ इसको बना सकते हैं और का फ्री टीयर क्यों क्योंकि हमको मिलने वाला है इसके अंदर लाइफ टाइम के लिए फ्री वीएम्स जिसको हम यूटिलाइज करके हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रोटेक्शन ले लेंगे ले तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर जाएंगे और उसके अंदर हम लोग एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे जिससे कि हमारा एक कोर यूटिलाइज हो जाएगा और बाकी के कोर से हमारा कोई भी डॉकर कंटेनर रन होगा और यहाँ पे जितने कोर रहेंगे उतने ज़्यादा आपको डॉकर कंटेनर मिलेंगे समझ लीजिए आपने चार कोर का वीएम बनाया तो एक कोर इसके अंदर एप्लीकेशन के लिए जाएगा और बाकी के तीन कोर से आप तीन अलग अलग डॉकर कंटेनर्स एक साथ लॉन्च कर सकते हैं और उससे ज़्यादा चाहे तो नो no प्रॉब्लम आपको बस एक सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा तो आप उसके बाद में दूसरा सेशन ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा आप सेशंस को डिस्ट्रॉय नहीं करते एक घंटे के अंदर ये सब ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम आप जब भी लॉन्च करेंगे तो नया इंस्टेंस आपको लॉन्च होने के लिए रेडी मिलेगा ये सभी इंस्टेंस हमारे ब्राउज़र के अंदर स्ट्रीम होंगे हमको रैका के एडमिन पैनल में या एप्लीकेशन के एडमिन पैनल में जाने की जरूरत नहीं है बस हम लोग हमारा कंप्यूटर ओपन करेंगे और जब भी हमको चाहिए हम लोग करेंगे राइट क्लिक और ओपन विद दिस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो ये कंटेनर ऑटोमेटिकली हमारे ब्राउज़र के अंदर स्ट्रीम हो जाएगा आपका काम खत्म हो जाए तो बस इसको क्लोज कर दीजिए वो सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस मल्टीवर्स के ब्राउज़र को बनाने के लिए हम लोग चलते हैं हमारे क्लाउड प्रोवाइडर के एडमिन पैनल पे हमारे मल्टीवर्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें ऑब्वियसली किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर या मशीन की ज़रूरत है हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और आइकल क्लाउड को क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्री है लेकिन आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे और का फ्री वी को इस्तेमाल करने वाला हूँ तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक फ्री वी एम इंस्टेंस बना देता हूँ उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ क्रिएटिव वी एम इंस्टेंस जो कि ऑलवेज फॉर फ्री रहेगा और इसको नाम मैं देने वाला हूँ डॉक्टर स्ट्रेंच प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए और इमेज शेप्स के अंदर यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हमको मिनिमम दो कोर चाहिए और चार जी रैम चाहिए तो इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे यहाँ पे और इसके लिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे एडिट हमारे तो शेप के अंदर हम लोग इसको करेंगे चेंज शेप और यहाँ पे एम को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और इसको वी को मैं चेंज करता हूँ याद है कि हमको मिनिमम दो कोर चाहिए और चार जी बी रैम चाहिए यहाँ पे हमको फोर कोर के ऑप्शन है पे एक कोर हमारा वी एम के लिए जाएगा और बाकी के कोर हमारे अलग अलग डॉकर इंस्टॉल्स के लिए काम आएंगे और आईकल के फ्री वर्जन के अंदर यहाँ पे जो भी मैक्सिमम है उसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका करता हूँ सिलेक्ट शेप यहाँ पे इमेज के अंदर और का लिनिक्स है लेकिन हमको ओबन टू वर्जन चाहिए तो मैं इसको करता हूँ चेंज इमेज और यहाँ पे ओबन टू को सेलेक्ट करता हूँ तो हम लोग इसको करते हैं सिलेक्ट और नीचे आते हैं यहाँ पे किसी भी लिनिक्स भी हमको कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए एस की या तो हम आरइकल की दी हुई एस की कोई यूज़ करें या हम लोग हमारी खुद एस एस की बना के हमारी बस पब्लिक की को देने और को दे दें और प्राइवेट की हमेशा हमारे पास सिक्योर रहेगी अगर आप ऑरकल की डी वी की को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट की को डाउनलोड कर लीजिए और ये पब्लिक की को डाउनलोड कर लीजिए इसको अपने पुटी के अंदर या कोई भी एस क्लाइंट के अंदर अपलोड करके आप कर यूज़ कर सकते हैं लेकिन तो मैं प्रीफर करता हूँ मेरी खुद की एस की बनाने के लिए इससे मेरा क्या होगा एक ही एस की के साथ मैं पूरे मेरे वी को कंट्रोल कर सकता हूँ मेरे की को बनाने के लिए एस 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 क्लाइंट की मुझे जरूरत है मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे पुटी आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के पास आपके पास दो आइकॉन आएंगे एक पुटी और पुटी कीचन ये पुटी कीचन के अंदर मैं मेरी पब्लिक और प्राइवेट की को बनाने वाला हूँ तो मैं इसको करता हूँ ओपन और यहाँ पे जनरेट पर क्लिक करके रैंडमली मेरे माउस कर्सर को स्पेस के अंदर घुमाता रहूँगा तो मेरी यहाँ पे पब्लिक की बन गई है मैं इसको करता हूँ यहाँ पे सेव और मेरे प्राइवेट की को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ पासवर्ड और मेरी प्राइवेट की को भी मैं कर लेता हूँ सेव और एस एस की बनने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगा मेरी पब्लिक की को ये रही मेरी पब्लिक की और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी पब्लिक की के सेक्शन में मैं इसको करता हूँ पेस्ट एस एस की यहाँ पे हमारी ऐड हो गई है अब हम लोग करते हैं हमारे वी को क्रिएट तो इसके लिए मैं करता हूँ क्रिएट हमारी वी अब प्रोविजनल स्टेज पर है इसलिए येल्लो है जैसे ये ग्रीन हो जाएगा हम लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे और धीरे धीरे यहाँ पर इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा अब वी एम अपन रनिंग है और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी पॉपुलेट हो गई है इसका यूज़र नेम है ओवन टू और आई है ये तो इसको हम लोग डालेंगे पुटी के अंदर और इसको एक्सेस करेंगे तो इसके लिए मैं चलता हूँ पुटी के अंदर तो इसके यूज़र नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और डालता हूँ यहाँ पर होस्ट नेम के अंदर उसके बाद में एड और उसके बाद में मैं कॉपी करूँगा मेरी आईपी एड्रेस को और यहाँ पे एंटर कर दूँगा ये सेशन का नाम रहेगा डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी मशीन का नाम जो भी यहाँ पे है और इसको मैं कर लेता हूँ सेव ताकि नेक्स्ट टाइम पूरी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के अंदर पॉपुलेट हो जाए मैंने तो मेरी पब्लिक की और आयकर को दे दी है लेकिन मुझे प्राइवेट की को यहाँ पे पुटी के अंदर अपलोड करना पड़ेगा उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे एस में और इसको करते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ब्रॉस करते हैं मेरी पब्लिक की को तो इसको करता हूँ मैं ओपन और फिर एक बार मैं यहाँ पर चलता हूँ सेशन के अंदर और इसको सेव कर लेता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं इसको करता हूँ ओपन यहाँ पे आएगी सिक्योरिटी वार्निंग फर्स्ट टाइम के लिए तो इसको मुझे करना होगा एक्सेप्ट और यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा जो कि मैंने की को बनाते वक्त डाला था और एंटर कोई भी वीएम इंस्टॉल होते ही सबसे पहले आपको इसको करना है अपडेट और अपग्रेड वीएम को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए मैं टाइप करूंगा sudo एपीटी गेट अपडेट एंड sudo एपीटी गेट अपग्रेड पे हमारे वीएम को अपडेट होने के बाद हम लोग बनाते हैं उसके अंदर एक स्वैप पार्टीशन स्टेबिलिटी के लिए जो कि ज़्यादा स्टेबल करेगा हमारे सभी डॉकर कंटेनर्स को उसके लिए मैं टाइप करूंगा एक स्वैप कमांड के बनने के बाद इसको परमिशन देता हूँ रीड एंड राइट की उसके बाद टाइप करूंगा मैं एम के स्वैप और उसके बाद मैं टाइप करूंगा स्वैपन ये सारे कमांड बनाने के बाद हमारा स्वैप पार्टीशन बन गया है तो उसको चेक करने के लिए कि मेरे स्वैप पार्टीशन बन गया मैं कैट कमांड पे और जिसके आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे स्वैप पार्टीशन बन गया है कभी कभी क्या होता है कि वीएम जब रिस्टार्ट होता है तो स्वैप पार्टीशन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हर रिबूट के बाद हमारे स्वैप पार्टीशन बना रहे तो उसके लिए मैं टाइप करूंगा ये कमांड तो यहाँ पे अब हमारा स्वयप पर्टिशन भी बन गया है और उसको हमने स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी दे दी है इसके बाद हम लोग डाउनलोड करेंगे काजम वर्क स्पेज को तो उसके लिए मैं करता हूँ डब्ल्यू एट कमांड और ये वेब डोमेन से हम लोग डाउनलोड करेंगे तो हमारा काजम डाउनलोड हो चुका है उस डाउनलोड फाइल को देखने के लिए मैं टाइप करूँगा एल एस जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर काजम रिलीज वन पॉइंट टेन वाला डाउनलोड हो गया है इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं टाइप करूँगा ए कमांड उसके बाद मैं टाइप करूँगा एल एस कि आप देख सकते हैं काजम रिलीज फोल्डर बन गया है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था और पूरे फाइल्स उसके अंदर एक्सट्रैक्ट हो गए हैं अभी हम काजम वर्कपेस को करते हैं इंस्टॉल उसके लिए मैं टाइप करूंगा ये बैच कमांड ये कमांड जाएगा इस फोल्डर के अंदर जो कि इंस्टॉलर एस फाइल को इनिशिएट करेगा हीजर इंक्रीटमेंट को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उसके लिए हम लोग टाइप करेंगे यस ये इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे अब हमारा काजम वर्क प्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर इंस्टॉल हो गया है एट द एंड हमको क्रेडेंशियल देगा इसको कॉपी करके रख लीजिए लेकिन हमको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है ये वाला लेकिन आप ये पूरे क्रेडेंशियल्स कॉपी करके रख लीजिए काजम यू आई लॉग इन क्रीडेंशियल यहाँ से मैं इसको पूरा एंड तक कॉपी कर लेता हूँ और नोट पैड में पेस्ट कर लेता हूँ और इसको करता हूँ मैं सेव काजम वर्कस प्रेस हमारा आप हो गया इंस्टॉल काजम के वो एडमिन पैनल को ओपन करने के लिए मैं कर लेता हूँ मेरे IP को प्रोजर के अंदर टाइप करूंगा एच टी टी पी एस कॉलन डबल स्लेश मेरा आई पी उसके बाद करता हूँ एंटर फिर सर्टिफिकेट को हम लोग करते हैं एक्सेप्ट एडवांस में चलते हैं और प्रोसीड तो ये है हमारा मल्टीवरस का एडमिन पैनल यानी कि काजम का वर्क स्पेस ये हमारा कंटेनर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है ये कंटेनर को आप छोटा मत समझिए ये बहुत कुछ कर सकता है ये जो आपके नॉर्मल कंटेनर्स होते हैं उस तरीके का एडमिन पैनल वगैरह नहीं है ये मल्टीवर्स के अंदर मल्टी सर्वर्स के अंदर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन इस डेमो के अंदर मैं आपके ब्राउज़र को बस एक अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर लेके जाऊंगा या कि एक अल्टरनेट सर्वर के अंदर लेके जाऊंगा लेकिन आप इसको मल्टी सर्वर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड जो कि आपको काजम इंस्टॉल करने के बाद टूटी में मिला था उसको डालना है यूजर नेम सभी का नॉर्मली यही होता है एडमिन एट काजम डॉट लोकल तो पासवर्ड ये रैंडमली जनरेट होता है मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको करता हूँ लॉग इन तो ये है हमारे काजम वर्क स्पेस का एडमिन पैनल या हमारी थेरी में कहें हमारे मल्टीवर्स का एडमिन पैनल यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं आप इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर कर सकते हैं और काजम की वेबसाइट पर जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इनके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने के लिए और ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है वीडियो को सिंपल रखने के लिए मैं बस एक सर्वर के अंदर इसको इंस्टॉल करके अपना एक यूनिवर्स बना रहा हूँ तो हमारे काजम के वर्क के अंदर हमको क्या क्या मिलता है उसको देखने के लिए हम लोग चलते है हैं यहाँ पे वर्क स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एट अलग अलग एप्स हैं जो कि हम लोग अलग सर्वर से या अल्टरनेट यूनिवर्स से इसको ब्रोजर के अंदर खींच के यूटिलाइज कर सकते है। हैं ये ब्रोजर यहाँ पे फायरफॉक्स है तो मैं इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे करूंगा लॉन्च तो ये हमारा फायरफॉक्स अब लॉन्च हो गया है तो ये मेरा क्रोम ब्रोजर है जो कि मेरा प्राइमरी यूनिवर्स आप कह सकते हैं और उसके अंदर अब ओपन हो गया है मेरा फायरफॉक्स अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर मैं आपको यहाँ पे डालूंगा व्हाट्स माई आई तो ये देखिए ये अलग आई है और मैं क्रोम के अंदर डालूंगा व्हाट्स माई आई तो ये देखिए ये एंडिंग इसका 126 है और ये 174 है इसका मतलब दोनों अलग अलग आई हैं कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ एक कंटेनर के बारे में कि आप किसी भी वायरस वेबसाइट पे जाके एक वायरस को भी डाउनलोड करेंगे तो वो इस कंटेनर के अंदर लॉक रहेगा वो वायरस एक कंटेनर से बाहर नहीं निकल पाएगा और आपका ब्राउज़र जो कि क्रोम है और आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल ही सेफ़ रहेगा वेबसाइट पर चलते हैं और कोई भी वायरस डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पर टेस्ट वायरसेस आपको मिल जाते हैं अगर चाहे आप वायरस को डाउनलोड कर लेते हैं तो मैं इसको करूँगा ओके ये वायरस मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुआ है मैं इसको करता हूँ ओपन और ये वायरस को मैं करता हूँ ओपन तो डजेंट मैटर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये मेरे कंप्यूटर को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा इसके बाद में अगर चाहे इस मल्टीवर्ल्स के ब्राउज़र है फायरफॉक्स है उसको वायरस लग भी जाता है मैं यहाँ पे आता हूँ और थ्री एरोस को क्लिक करूँगा और यहाँ पे डाउन पे आके डिलीट सेशन पे क्लिक कर दूंगा और डिलीट मेरा ये फायरफॉक्स ये कंटेनर डिलीट हो गया है और नेक्स्ट टाइम मैं जब लॉन्च करूंगा मेरे फायरफॉक्स को एक नया इंस्टेंस लॉन्च होगा तो इसी तरीके से आप यहाँ पे उबिंटो भी लॉन्च कर सकते हैं मैं यहाँ पे ओबिटो भी एक लॉन्च करके दिखा देता हूँ आपको ये देखिए ब्राउज़र के अंदर आपको एक उबिंटो पूरा ओ मिल रहा है यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं प्री बिल्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं लेकिन आप दूसरी इमेजेस भी अपनी बना के अपनी तरफ से उसको यहाँ पे बूट करा सकते हैं तो आपके पूरे एप्लीकेशन हर सेशन के अंदर वो लोड हो जाएंगे वो थोड़ा एडवांस लेवल है आप काजम की वेबसाइट पे जाके इसको सीख के बना सकते हैं ये पूरा का पूरा विंटो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ब्राउज़र के अंदर रन हो रहा है और ये बहुत ही आसानी से रन हो रहा है बिना कोई लैग के बहुत ही फास्ट है इसका रेस्पॉन्स आप पिछली वीडियो में जानते थे कि हमने फ्री पी ऑन द क्लाउड बनाया था वो पी का और ये पी के अंदर डिफरेंस ये है कि ये पी डिस्ट्रॉय हो जाएगा आफ्टर वन आवर ऑटोमेटिकली वो हमेशा बना रहेगा वो परमानेंट यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और इसको टेम्प्रेरी यूज़ के लिए कोई भी रिस्की काम करना है आप हैकिंग सीखते हैं या वायरस से इन्फेक्ट होने का खतरा है मल्टीवर्स के अंदर आके आप काम कर लीजिए अगर चाहे इस मशीन को वायरस लग भी जाता है तो नो प्रॉब्लम यहाँ पे आप पाएंगे और ये थ्री डॉट को क्लिक करेंगे और इसको हम करते हैं डिलीट तो वो पूरा का पूरा कंटेनर पूरा का पूरा ओबन का ओ डिलीट हो गया और नेक्स्ट टाइम अगर आप लॉन्च करते हैं तो ये नया ओ नया कंटेनर आपको मिल जाएगा फायरफॉक्स एक बार क्लिक करता हूं और चलता हूं यहां पे लॉन्च एन इंस्टेंस पुराना सेशन डिस्ट्रॉय हो गया है और ये नया सेशन शुरू हो गया है मैं टाइप करता हूं यहाँ पे साइबर ट्रॉफी डॉट कॉम यह सेशन यहाँ पे ओपन है तो मैं यहां पे चलता हूँ थ्री डॉट्स को क्लिक करता हूँ मैं क्लिक करूंगा रिटर्न टू वर्क स्पेस यहाँ पे आप देखिए अप टाइम ये जीरो मिनट्स हो गया है और ये एक्सपायरी टाइम वन आवर है टोटल इसको वन आवर है वन आवर के बाद में ये सेशन ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये आप सेटिंग के अंदर चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना लंबा कोई सेशन चाहिए लेकिन आप बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वन आवर है जो कि मैं कहता हूँ सही है वन आवर के बाद में अगर आप इसको मैनुअली डिलीट नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर की सभी फाइल्स और सभी वायरसेस डिलीट हो जाएंगे आपको नेक्स्ट टाइम लॉन्च करते वक्त एक नया सेशन मिलेगा नॉर्मली काजन के फ्री वर्क के अंदर आप पाँच वर्ष मशीन को चला सकते हैं लेकिन हमने और का फ्री टीयर यूज़ किया है उसके अंदर हमारे पास चार कोर ही हैं जितने कोर रहेंगे उतना ये सेशन का लिमिट बढ़ता जाएगा अभी मैं करता हूँ ओबिनटो पर क्लिक और करता हूँ लॉन्च तो यहाँ पर हमारा ये ओबिनटो ओपन है मैं फिर से यहाँ पर चलता हूँ और रिटर्न टू वर्क क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उबंटू का सेशन चल रहा है और ये फायरफॉक्स सेशन चल रहा है इसी तरीके से आप अगर चार कोर यूज़ कर रहे हैं तो तीसरा भी सेशन लॉन्च कर सकते हैं उसके बाद में अगर कोई आपको चौथा सेशन लॉन्च करना है तो आपको कोई भी एक सेशन डिलीट करना पड़ेगा उसके बाद में दूसरा सेशन लॉन्च कर सकते हैं आप कहेंगे यार ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है लेकिन इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पहले तो वेबसाइट पर जाओ ये आईपी को ऐड करो फिर उसको यूज़र में पासवर्ड डालो इधर आओ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा लेकिन जैसे कि मैंने वादा किया मैं ब्राउज़र को मल्टीवर्स के अंदर घुमाने वाला हूँ एक पोर्टल के द्वारा और आप उस पोर्टल के ज़रिए किसी भी अल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर जाके अपना काम करके सेफली वापस आ जाएंगे तो पोर्टल बनाने के लिए मुझे एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ेगा काजम का एक्सटेंशन उसके लिए मैं चलता हूँ गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में गूगल क्रोम वेब स्टोर के अंदर मैं टाइप करूंगा काजम ये पहला वाला जो है काजम ओपन इन आइसोलेशन मैं इसको करूंगा इंस्टॉल ऐड और ये काजम वर्क हो गया इंस्टॉल तो मैं यहाँ एक्सटेंशन के आइकॉन को क्लिक करूंगा और जो यहाँ पे काजम ओपन इन आइसोलेशन लिखा निकाले है मैं इसके थ्री डॉट्स यहाँ पे मोर एक्शन के लिए क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जाके यहाँ पे जम यू आर एल के अंदर मैं डालूंगा मेरे सर्वर का आई पी चू कि ये है मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन है न्यू सेशन आपको न्यू टैब में ओपन करें या न्यू विंडो में ओपन करें एक पोर्टल को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सीमलेस एक्सपीरियंस के लिए तो न्यू टैब बेटर है तो उसके लिए मैं न्यू टैब क्लिक करता हूँ और उसको करता हूँ सेव तो हमने एक्सटेंशन को ऐड कर दिया है उसके बाद में हमको बस एक सेटिंग करनी पड़ेगी फायरफॉक्स को डिफ़ॉल्ट ब्राउजर करना पड़ेगा या आप चाहें क्रोमियम को डिफ़ॉल्ट ब्राउजर कर सकते हैं चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक पे और यहाँ पे मेरे प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ प्रोफाइल का मतलब यह है कि आप मल्टीपल यूज़र भी बना सकते हैं अपने एक आजम वर्क के अंदर लेकिन सेशन लिमिट आपके कोर के ऊपर डिपेंड रहेगा तो मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रोफाइल के अंदर और नीचे आते हैं यहाँ पे तो डिफॉल्ट वर्क स्पेस यहाँ पर कुछ और रहेगा आपको यह ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना है आपको या तो फायरफॉक्स सेलेक्ट कीजिए या क्रोमियम सेलेक्ट कीजिए मैं फायरफॉक्स को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ तो उसको क्लिक करता हूँ और ये सेव हो चुका है उसके बाद में अगर मैं, मैं इंटरनेट जब भी ब्रोज़ कर रहा हूँ कोई भी सस्पिशियस वेबसाइट पर चलता हूँ मैं जैसे कि समझ लीजिए मैं चलता हूँ यहाँ पे वायरस डाउनलोड मुझे लगता है कि ये वेबसाइट सस्पिशियस है मैं इसको टच नहीं करता तो नॉर्मली मैं हम लोग क्या करते हैं तो इसको राइट क्लिक करते हैं कॉपी कर लेते हैं एड्रेस को फिर इसको इनकॉम्यूटो मोड में जाके इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वेबसाइट सही है या नहीं है इसका फ़ायदा है कि आप अपने प्राइमरी ब्राउजर के अंदर जो पासवर्ड वगैरह सेव रहते हैं उससे हट के आप इसको इग्नो कॉन्गोनिटो मोड में ओपन कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत सेफ रहेगा लेकिन ये मशीन आप ही की है तो अगर चाहे ये कोई मालवेयर डाउनलोड कर लेता है तो आप ही के डाउनलोड फोल्डर में जाएगा तो उससे कुछ ये सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता तो उससे बेटर ये है आप राइट क्लिक करके ओपन इन इनकाटो मोड में ओपन करने से अच्छा ये ओपन इन काजम स्पेस इस पे ओपन करेंगे काजम का कंटेनर फायरफॉक्स को स्ट्रीम करेगा हमारे ब्राउजर के अंदर या आसान भाषा में या हमारी थेरी में कहे एक मल्टी वर्स से ब्रोजर निकल के आएगा हमारे ब्राउजर के अंदर उस वेबसाइट को दिखाएगा और हम लोग इस वेबसाइट को यहाँ पे ब्रोज करेंगे हमको देखना है देखेंगे फाइल्स को डाउनलोड करना है करेंगे ये हमारे मशीन से हट के जो कुछ भी डाउनलोड करेगा हमारी मशीन में कुछ डाउनलोड नहीं होगा जो भी होगा ये प्राइवेट आइसोलेटेड कंटेनर के अंदर होगा आप वायरस डाउनलोड करो या मालवे डाउनलोड करो रहमसम डाउनलोड करो डजन मैटर फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको फर्दर टेस्ट करनी है जैसे कि आप वायरस टोटल पे जाके इसको फर्दर स्कैन करना चाहते हैं तो आप उसको कर लीजिए पूरा इतमान होने के बाद अगर आप उस डाउनलोडेड फ़ाइल को अपने कंप्यूटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थ्री डॉट्स को क्लिक कीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड अपलोड या की इसके ज़रिए आप किसी भी फाइल या टेक्स्ट को टाइम पोर्टल से अपने पीसी के अंदर ला या भेज सकते हैं खुदा बुदाना खस्ता आपने वायरस डाउनलोड कर लिया है तो कोई बात नहीं जैसे कि मैंने बताया ये थ्री डॉट्स को क्लिक कीजिए और ये डिलीट सेशन पे क्लिक कर दीजिए और ये डिस्ट्रॉय हो चुका है आप सेफली और सिक्योरली उस यूनिवर्स से बाहर निकल के आ गए हैं अपनी दुनिया के अंदर वापस आपके कंप्यूटर को वायरस कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है ये कंटेनर सर्विस मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी बहुत ही ज्यादा सिक्योर है मैं इसको अब रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ बहुत टाइम से कोई भी वेबसाइट को मैं क्लिक करने से पहले तीन चार बार सोचता था कि ये सेफ है या नहीं अब तो बस राइट क्लिक करो और ओपन इन काजम करके मल्टीवर्स के अंदर चले जाओ पूरा ब्रोज करके बाहर निकल के आ जाओ किसी को कुछ पता नहीं चलेगा एक एडवांटेज तो हो गया सेकेंड एडवांटेज क्या है ओपन विद काजम आप जब करेंगे ये, ये प्रॉक्सी सर्वर की तरह काम आएगा आपकी आईपी लोकेशन किसी को नहीं दिखेगी तो आईएसपी एस या कोई हैकर आपको मॉनिटर कर रहा हो काजम वर्कस्पेस के अंदर जाके क्या कर रहे हैं उसको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो अलग ही एनवायरमेंट है अलग ही यूनिवर्स है एक तो वायरस से सिक्योरिटी मिल गई और दूसरा हैकिंग से सिक्योरिटी भी मिल गई और आपकी आईपी एड्रेस मास्किंग भी होगी कुछ लोगों ने पूछा था कमेंट बॉक्स के अंदर मेरी दूसरी वीडियो के अंदर प्रॉक्सी कैसे बनाएं तो ये आसान तरीका है और इसके मल्टीपल यूज है टेक्नोलॉजी वाइज तो थोड़ा एडवांस है सेफ है और आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोक्सी सर्वर ही आपका काम आएगा आपको काजम के अंदर और भी एडवांस जाना है जैसे कि मैंने बताया मैंने तो बस एक सर्वर इंस्टॉल किया है हमारी थेरी के अंदर बस एक अल्टरनेट यूनिवर्स बनाया है आप मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं मल्टीपल यूनिवर्स बना सकते हैं मल्टीवर्स के अंदर अपने ब्राउजर को घुमा सकते हैं आपके सर्वर्स के अंदर उसके लिए आप यहाँ जाइए काजम की वेबसाइट पे इसके अंदर आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा इसको ये करने के लिए ये नॉर्मली तो कम्युनिटी एडिशन फ्री वाला है तो यहाँ पे आपको सारे फीचर्स मिलेंगे एंटरप्राइज वर्जन के बस लिमिटेशन ये है कि आप कस्टम ब्रांडिंग वगैरह नहीं से कर सकते ज़्यादा फिल्टरिंग वगैरह नहीं कर सकते लेकिन इसकी सब आपको जरूरत नहीं है और पाँच सेशंस आपको एक साथ मिलेंगे लेकिन ये इनका पेड वर्जन भी है उसकी ज़रूरत नहीं है हमको एक कम्युनिटी एडिशन हमारे पर्सनल कामों के लिए बहुत है पूरे एंटरप्राइज वर्जन के फीचर्स कम्युनिटी एडिशन में है बस एक चार पाँच फीचर्स को छोड़ के यहाँ पे बस आठ एप्लीकेशन मौजूद हैं क्योंकि हमने का आम बेड प्रोसेसर यूज़ किया है जो कि फ्रीली अवेलेबल है क्योंकि और एक से ज़्यादा कोर एम वाले वी में नहीं देता वो बस आम एमपियर वाले वर्जन में एक से ज़्यादा कोर मिलते हैं ये लिंक के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं आम बेस्ट प्रोसेसर के अंदर आपको बस ये आठ कंटेनर एप्लीकेशन मिलेंगे लेकिन अगर चाहे आप एम डी के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये सारे एप्लीकेशंस ये प्राइवेट कंटेनर मल्टीवर्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं वर्ना आपको लाइफ टाइम वाला फ्री वर्जन चाहिए ये आम बेस प्रोसेस में इंस्टॉल कीजिए और ये आठ आप एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे इस तो ब्राउज़र के अंदर टू ओएस एक घंटे में डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन आपको अगर चाहिए एक्सटेंडेड टाइम के लिए चाहिए मैंने एक वीडियो बनाई है लाइफ टाइम थ्री पी सी इन दी क्लाउड लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आप उसको जाके भी देख सकते हैं या और आयकर के अंदर और आप और क्या क्या बना सकते हैं मेरी सीरीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है अगर चाहिए वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अलग यूनिवर्स में थैंक यू वेरी मच